आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है नोटिस के बारे में, तो फ्रेंड्स ये इसका भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिस है, जो कि फ्रेंड्स यहां पर जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आरपीएफ में, उसके लिए आपका ये जारी किया गया है। इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको कुछ डिटरमिनेशन ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहले आपको यहां पर बताया गया है, देखिए फ्रेंड्स जो करंट राउंड है रिक्रूटमेंट का, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2000 पोस्ट आपकी यहां पर जारी की गई है कांस्टेबल के लिए, और इसके अलावा 250 वैकेंसीज आपकी यहां पर है जो कि रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है। तो यहां पर फ्रेंड्स टोटल देखें तो 2250 वैकेंसीज हो जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आपके 2000 कांस्टेबल के लिए है और 250 आपके एसआई पोस्ट के लिए है। इसके अलावा 15% सीट यहां पर रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट के लिए, तो मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको दिया गया है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जो फेज वन है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मीन सीबीटी आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। फेज टू जो है वो फ्रेंड्स आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी आपका यहां पर होगा। जो फेज थ्री है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो इन तीन स्टेप में आपका फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री में आपका यहां पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पीईटी एंड पीएमटी के बाद ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसके बाद आपको जो रीजन है उसकी जानकारी यहां पर दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, देखिए एलबीटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे कहा गया है सिटीजनशिप के बारे में, तो जो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कैंडिडेट यहां पर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए देखिए आपसे मांगी गई है डिग्री, डिग्री आपके पास कोई भी है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो एज है मिनिमम रहेगा 20 साल, मैक्सिमम आपका जो एज है वो है यहां पर 25 साल। और अगर कांस्टेबल की बात करें तो यहां पर जो आपका एज है वो फ्रेंड्स यहां पर 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम है आपका एज यहां पर 25 साल, और 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहां पर 10वीं क्लास अगर आप है तो आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपके पास डिग्री है तो आप एसआई पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो एज है वो आपको यहां पर दी गई है। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर बताया गया है, देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो मेंशन है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में उसके अकॉर्डिंग काउंट होगी, और एज आपकी यहां पर देखिए 1 जुलाई को आपकी काउंट की जाएगी जिस भी ईयर में नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन आएगा 2024 में, तो आपको देखिए 1 जुलाई 2024 को आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपका यहां पर जो है काउंट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखिए रिजर्व कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको यहां पर अपर एज में जो छूट है वो मिल जाती है, जैसे एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है फिजिकल मेजरमेंट की, मतलब पीएमटी टेस्ट की। इसमें देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। एससी एसटी के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। और अगर आप फ्रेंड्स गोरखा मराठा डोगरा से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, तो 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। अगर आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर चेस्ट की बात करें तो ये ओनली आपके यहां पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। तो जनरल के लिए 82-85 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 82-85 रहेगा। अब ये फ्रेंड्स यहां पर बिना फुलाए है, और ये फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव आपका यहां पर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपसे कहा गया है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। ऑनलाइन मोड में ही आपको जो फॉर्म है वो आपको पे करना है। इसके अलावा एग्जाम फीस भी ऑनलाइन मोड में ही होगी, तो अभी यहां पर आपको जारी नहीं की गई है, पर जनरल ओबीसी 500 रुपए और एससी एसटी को 250 रुपए फीस आपको यहां पर पे करनी होगी। बाकी फ्रेंड्स जो भी आपका यहां पर न्यू फीस का जो शेड्यूल आएगा वो आपको अलग से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए जो एसआई की पोस्ट है आपकी, इसमें देखिए टाइम दिया गया है आपको 90 मिनट का। इसमें क्वेश्चन होंगे आपको 120, जिसमें आपके देखिए जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, के भी 35 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। कांस्टेबल की बात करें तो 90 मिनट का ही समय आपको मिलेगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50, अर्थमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन ही आपके यहां पर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो एक एक नंबर का आपका यहां पर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी 1/3 की। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो आप यहां चेक कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड्स आपकी जो टेस्ट होगा ये आपके क्वेश्चन रिलेटेड होंगे इंडियन हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस से। अर्थमेटिक में देखिए नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल का यूज और ग्राफ का यूज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ऑप्शन है, इसमें आपके क्वेश्चन होंगे एनालॉजी से, सिमिलरिटी से, डिफरेंसेस से, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे। अब आपको देखिए कहा गया है कि एक नंबर मिलेगा आपको एक करेक्ट आंसर पर, और 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे हर एक गलत आंसर पर, जो कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर रहेगी। तो ये आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है। और लैंग्वेज और क्वेश्चन पेपर जो है वो फ्रेंड्स इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगा।
इसके बाद देखिए जो रिजल्ट है वो कंबाइंड जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आपका होगा उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फाइनलाइज आरआरबी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कॉल लेटर पीईटी पीएमटी के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जारी किए जाएंगे और फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर 10 टाइम और नंबर आपके जो ईच कैटेगरी मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए वो पीईटी पीएमटी के तौर पर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए फेज टू जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड पीएमटी जो आपका है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो आपका पीईटी होगा उसमें फ्रेंड्स देखिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 6 मिनट 30 सेकंड कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप है 12 फीट का और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच की। फीमेल एसआई पोस्ट के लिए फ्रेंड्स 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। लॉन्ग जंप है 9 फीट का और हाई जंप है 3 फीट का। कांस्टेबल के लिए फ्रेंड्स जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड में। 14 फीट की लॉन्ग जंप है, 4 फीट की हाई जंप है। कांस्टेबल फीमेल के लिए देखिए 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 40 सेकंड में। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा और हाई जंप है आपके 3 फीट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो लास्ट स्टेप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। आप यहाँ पर जो जानकारी है ये फ्रेंड्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं।